हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारे लेक्चर का टॉपिक रहेगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो चलिए एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी हमने लास्ट वीडियोस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हमने डेजर्ट इकोसिस्टम को पढ़ा, हमने उसमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम को पढ़ा और उसमें हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को पढ़ा। तो उसी चेन को आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर लगभग 70% एरिया पे क्या है, वाटर है। तो हमारी अर्थ जो है 70% वाटर से कवर्ड है। ठीक है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है, ऐसे इकोसिस्टम जो वाटर में प्रेजेंट रहते हैं उनको एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि वाटर बेसिकली हमें दो टाइप से मिलता है, एक होता है फ्रेश वाटर और एक होता है मैरीन वाटर। ठीक है, या मैराइन वाटर। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो फ्रेश वाटर होता है उसमें न्यूट्रिएंट और सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है, जबकि मैराइन या मैरीन वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में काफी अधिक होती है। ठीक है, तो जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, जैसे मैंने बताया फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों में होता है, तो फ्रेश वाटर हैबिटेट के एग्जाम्पल हैं लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वेटलैंड्स, स्वैम्प्स एटसेट्रा। और ऐसे ही हमारे जो मैराइन हैबिटेट्स हैं उसके एग्जाम्पल हैं सी, ओशंस एंड इंटर टाइडल जोन्स। ठीक है, द एक्वेटिक इकोसिस्टम इज द हैबिटेट फॉर वाटर डिपेंडेंट लिविंग स्पीशीज इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। तो जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो एक ऐसा हैबिटेट है जिसमें वाटर डिपेंडेंट लिविंग स्पीशीज रहते हैं, है ना, जो वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं या जो पानी के अंदर रहते हैं। तो उसमें हमारे एक्वेटिक एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। ठीक, अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जो हमारी हेडलाइंस हैं, है ना, हेडिंग्स हैं, वो बेसिकली अभी पीछे हमने जो तीन इकोसिस्टम पढ़े बिल्कुल वैसे ही रहेंगी। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। पहले इसमें कंपोनेंट है एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिनको हम बोलते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इंक्लूड्स लाइट, टेम्परेचर, पीएच, मिनरल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो उसमें हमें लाइट, टेम्परेचर, पीएच, मिनरल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब चीज़ें मिलेंगी। और ये सारी चीज़ें हमें मैराइन वाटर में भी मिलेंगी। लेकिन मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर में क्या डिफरेंस है, मैराइन एनवायरमेंट इज मोर स्टेबल इन केमिकल बिकॉज ऑफ सैलिनिटी, क्योंकि मैराइन वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ये एक बहुत बड़ा मेन रीजन है जो इसको फ्रेश वाटर से अलग करता है। ऑल्सो टेम्परेचर, लाइट एंड अदर फैक्टर आर ऑल्सो डिफरेंट इन मैराइन एनवायरमेंट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स कौन होते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट जैसा आपको पता है इनको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इसमें ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स, दैट इज प्रोड्यूसर्स। तो ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, और इनको प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। तो द प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स विच मेक देयर ओन फूड बाय कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी ऑफ सन इनटू केमिकल एनर्जी। और जब ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स अपना फूड बनाते हैं तो वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर देखें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, मैक्रोफाइट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, ये सारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। क्लियर। सेकेंड है इसमें हमारा हिटरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। हिटरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, वो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उनसे अपना फूड लेते हैं, और इनको और क्या बोलते हैं, इनको कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो इन फ्रेश वाटर द कंज्यूमर इंक्लूड्स जू प्लैंक्टन्स, इंसेक्ट्स, मॉलस्क,
फिशेज लाइक रोहू एंड कैटला एटसेट्रा, वाइल इन मैराइन एनवायरमेंट द कंज्यूमर इंक्लूड्स मॉलस्क फिशेज, कार्निवोरस फिशेज लाइक मैकीरल हैरिंग कॉड एटसेट्रा। इसके अलावा मैराइन एनवायरमेंट में स्टार फिश है, ऑक्टोपस है, शार्क है, इस तरह की फिशेज जो हैं वो मिलती हैं। ठीक है, थीके? तो मैराइन एनवायरमेंट में और फ्रेश एनवायरमेंट में, या मैराइन एक्वेटिक इकोसिस्टम में या फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम में, क्योंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, एबायोटिक कंपोनेंट में डिफरेंस आ जाता है, तो काफी हद तक उसमें हिटरोट्रॉफिक कंपोनेंट में भी चेंज आ जाता है। ठीक है, थर्ड है हमारे डिकम्पोजर्स। तो ये बेसिकली सेम रहेंगे, डेफिनेशन सेम रहेगी जैसे हमने पिछले तीन इकोसिस्टम में पढ़ा। व्हेन द ऑटोट्रॉप्स एंड हिटरोट्रॉप्स डाई इन वाटर देन स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डिकम्पोजर्स फीड्स अपॉन दीज डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, पानी के अंदर जो भी ऑटोट्रॉप्स हैं या जो हिटरोट्रॉप्स हैं, जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उनकी डेड बॉडीज के ऊपर एक स्पेशल काइंड के ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे, उनसे अपना फूड ऑप्टेन करेंगे और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करेंगे। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। और इसके जो मेन एग्जाम्पल्स हैं वो हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली जो डिकम्पोजर्स होते हैं, है ना, वो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये क्लीनिंग का भी काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्वेटिक वो सिस्टम खत्म होता है। तो हमने चारों तरह के इकोसिस्टम अब पढ़ लिए हैं और साथ में ही हमने बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं इकोसिस्टम में उनको कवर कर लिया है। तो इकोसिस्टम वाली हमारी यूनिट जो है आज खत्म। ठीक है, तो इसी के साथ ही जो आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, है ना, आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तो आपको जब ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इस YouTube चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इन वीडियो को देख के इनकी हेल्प ले सकें। ठीक है, तो चैनल का नाम याद रखिए, लर्न विद राज। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई यूनिट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।